नमस्ते आप सबको, ढेर सारा प्यार आप लोगों ने, सब ने बहुत प्यार दिया है। तारा सिंह को आपने फिर से जिंदा कर दिया, थैंक यू वेरी मच। पता है ये जो आपने थोड़े वीडियोस देखे, ऐसे मेरे फोन में 50 वीडियोस हैं। जी स्टूडियोज वाले ने कहा भाई नाम होने चाहिए। 2001 गदर एक प्रेम कथा, आपको ऐसे लगा कि ये कुछ उसका वर्दी सीक्वल बन सकता है इससे? तो जब शर्मा जी आए मिलने से पहले, जब अपॉइंटमेंट ली उसके दो दिन पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी पुरानी वाली, ऐसे कि आ रहे हैं मैंने देखी होगी, मतलब 2001 में देखी थी, उसके बाद टीवी पर आती थी तो वर्ड की वॉचिंग इट, बट भूल गए इतना मतलब। तो मैंने देखा ऐसे ठीक है, जब शर्मा जी आए मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही सैट ऑपोजिट मी, और अगेन जर्म ऑफ कहानी थी कि बाप है फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने, और वहाँ बेटा फंस जाता है बाप, तो इमोशन समझ में आ गया। मगर मोर देन एनीथिंग एल्स शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, एंड आई कैन से इट ओवर हियर, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ही सेड फॉर मी दिस इज my make or break film, it is either my last film or it will give me a lease of life, because the responsibility of Gadar 20 saal pehle with my son and Sunny sir, but more importantly jo bharosa hai audience ka, agar wo main nahi kar paya to fir matlab there is nothing more for me, matlab, and it was that conviction. And as a producer, really, I mean, एक director का conviction ही है जो आप back कर सकते हैं। फिर बीच में बहुत सारी झगड़ा लड़ाई वो सब हुआ, that is a different thing, but वो conviction के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा, और फिर वो तीन साल आई थिंक वही जून जुलाई का आई थिंक था 2019 और 2019 ही का था, and then we went on for साढ़े तीन साल लगे to get everything done. Wow, COVID आ गया। आपको एक्चुअली ऐसे लगा कि दिस इज योर मेक एंड ब्रेक, एक्चुअली ऐसे लगा? देखिए क्या था कि पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, और मैं जहाँ जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, कहानी नहीं आ रही थी, 150 कहानियाँ आई, और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था। तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास, और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया, नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आपके लिए। क्या बात है, और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया। तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया। जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण, राम जो है राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं, वही बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो, मैंने कहा ये रामायण है फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि हर दिल में बसी है। दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुँच जाता तो महाभारत तो उस दिन ख़त्म हो जाता, इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता, ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता, वो कन्विक्शन था मेरे पास।
तो मैं उस कन्विक्शन के साथ में गया, मैं खुद रो पड़ा। सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं, इनकी आंखों में एक नमी आ गई। शारिक सर की आंखों में नमी आई, इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी। पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई। तो ये सब होता रहा और ये सब उत्कर्ष को भी जब सनी सर ने शक्ति जी ने सुनाई तो इसको भी सुनाई मैंने। तो जब ये सब चलता रहा तो मेरा मुझे था कन्विक्शन और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ। क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज़ नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पर खरी निकले। और ऑडियंस के इमोशन पर खेलने का मतलब है क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं आप, इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते। यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज़ बना दिया इन्होंने, हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफ़े 15 दफ़े सोचा। और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही, शायद वही बात वर्क कर गई, इनसे सुनी मैंने परसों, लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है वो। क्योंकि इन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया, आग लगी है तो आग लगी है तो आपका हाथ जाता है तुरंत वापस आ जाता है, उस वक्त आपका माइंड कहता है कि हाथ को वापस लो। तो जब कोई कहानी सुनते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी तो कुछ बोलता होगा, वो गलत क्यों, ये गलत क्यों नहीं है, क्या बात। तो ये सनी सर ने कहा तो मेरे तो चक्षु खोल दिए उस दिन उन्होंने ये कह के कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो वही राइट है, संसार में कुछ राइट नहीं है। तो वही जो शक्ति जी ने कहानी सुनाई तो उसी कन्विक्शन के साथ मैं इनके पास गया और मैंने इनसे कहा, स्टूडियो थे, इनको कन्विंस भी करना था और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है, मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता, आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर और ये मेरी लास्ट ट्राई है, अगर कुछ करूँगा करूँगा। वैसे ही हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती स्पील वर्क की या किसी की भी तो वो और बेटर होता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही आपको दुनिया ज़्यादा समझ आती है। ये हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है हमको नहीं समझ आता। तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना ज़माना 90s 80s, पता नहीं ज़्यादा 1980s खराब टाइम था। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है, पहले हिंदी सिनेमा थे। तो वही मैं बोला उसी में गर्व रखना चाहिए हमें, क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने। हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर, ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज अ हिंदी। यस तो क्या था रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट, हमें हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद जिंदाबाद है था रहेगा, बी प्राउड, कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड, वाह वाह वाह। जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था मुश्किल किया है, ज्यादा मुश्किल क्या था, तीन चीजों में से उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर टू, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म। देखिए इस बार मैं सब में ढल गया था क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की और पापा, हम लोग पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है, वी आर कनेक्टेड, उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया, एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपरहिट रही है। बिल्कुल हाँ, आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की चुपके इमोशनल रोल्स और सब 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 फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है और पिछले ज़माने में नहीं था, सिर्फ पापा थे लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही, जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री तो उसे शांत रखती है, और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देन है कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था, जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है, और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर तो तारा खड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ तन जोड़ता है रब उसके अंदर आ जाता है तब। बिल्कुल, मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है।
और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं. एंड दैट्स अ रियलिटी एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर एंड दे लविंग इट एंड दे लविंग इट. एंड आई प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊंगा. क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू नो मासेस, पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं. आपका मास बोलकर उसको नीचे कर रहे हो, आपको कोई बड़े हो, आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आपको अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है. हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, घर को समझो. और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग ले लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो. कला वो होती है, हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी. हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइंड ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं. हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए. मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का ऐसे करें, मैंने क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन. मैं आई नेवर लाइक टू डू एनी सीन विच इज आई सीन एनी वेयर डन. एंड आई सेड दैट्स द वे इट शुड बी. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है. एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, आई समहाउ फील आई एम कनेक्टिंग विद देम, बिकॉज वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं. यस, वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता. वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं. एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट. तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वॉज देयर, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ. मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले. ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता. एंड मैं बहुत ज़्यादा भूल गया. शर्मा जी मुझे हमेशा बोलते रहते थे, इंस्पायर करते थे कि सोचिए सीक्वल. मुझे सब लोग बोलते हैं जहाँ भी जाता हूँ कि भाई क्यों नहीं बनाते हैं. तो मैं थोड़ा सोचता था, फिर मुझे लगता था कि वो कहानी गदर एक प्रेम कथा अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी थी. अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो शायद इसकी लाज नहीं रहेगी. लाज रखने वाली बात थी. हाँ जी. और इसकी जो दिलों में लोगों के तारा सिंह सकीना जो परिवार बैठा हुआ है, वो प्यार क्या हम अगली कहानी में दे पाएंगे, ऐसे कई सवाल मेरे मन में चलते थे. तो कि एक फिल्म करने के लिए ही फिल्म की जाए तो ना की जाए तो बहुत अच्छा. तो ऐसी बातें चलती रही चलती रही. फिर अचानक एक दिन, क्योंकि मैं जब सोचने बैठता था तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने बेटे की माँ को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को यहाँ वापस लाया है, वो वापस पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा. वो जाना ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी ना बोले कि भाई इनको तो जाना ही पड़ेगा तारा सिंह. वो बात मुझे जब समझ में आई तो मन मेरा आगे बढ़ा और मैं सोचने लगा, और मुझे दो तीन दिन में ही वो कथा आ गई. और अनिल जी को मैंने फ़ोन किया, अनिल जी ने कहा आ जाओ आज नौराते का दिन है. मैं वहाँ पहुँचा, बाकी अनिल जी ने बताया आपको कि किस तरीके से. सलीम साहब को फ़ोन किया, सलीम साहब के पास गए, उनको भी अच्छा लगा, शारिक साहब को अच्छा लगा, और बस फिर काम शुरू हो गया. क्या बात है, क्या बात है. शारिक, फिल्म तो बन गई, इस फिल्म का प्रमोशन भी, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, बहुत ही निराला था. आई थिंक द प्रमोशन स्टार्टेड विद द रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा. You know, it was like a trailer. The first trailer of Gadar 2 was releasing Gadar Ek Prem Katha. Ye thought kaise aaya? Aur uske baad marketing strategy agar aap touch upon kar sake, ki kya kya aap logon ne kiya and kyon socha ki kuch naya hona chahiye is film mein? नहीं तो एक्चुअली मार्केटिंग स्टार्टेड वे बिफोर रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा. ये हम लोग ने जब भूमिका, नीरज और हम सब बैठ रहे थे कि एक तो टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा
टॉप गन आ गई, तो उसका थोड़ा प्लेबुक हम लोग ने मार्केटिंग टीम में थोड़ा रिसर्च करा, सेइंग हाउ टू वर्क दैट. एंड दैट वाज आल्सो यूनिक क्योंकि वही कैरेक्टर इज गोइंग फॉरवर्ड. हियर आल्सो द ब्यूटी ऑफ इट इज द सेम कैरेक्टर, इज द सेम फैमिली कमिंग 22 इयर्स लेटर. तो थोड़ा उस वो दैट प्लेबुक ऑफ कोर्स वी गॉट सम स्पेसिफिक आइडियाज फ्रॉम दैट. बट आई वाज वेरी क्लियर कि ये एक महीने दो महीने का कैंपेन नहीं है. हम लोग ने एक्चुअली पहला जो अनाउंसमेंट करा था इन टर्म्स ऑफ लाइक अ स्टोरी और व्हाटएवर आर्टिकल, आई थिंक पिछले दशहरे या दिवाली में करा था. दैट इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट कि ये बन रही है. बिफोर दैट तो हो रहा था और इंडस्ट्री को पता था, बट ऑडियंस को शायद इतना नहीं था. तो वी टुक लाइक वो एक वो पीआर करा. उसके बाद हम लोग ने स्लो बर्न पर रखा बट विद इंपैक्टफुल इवेंट्स. एंड लकली एज़ आई सेड, सनी सर हैज बीन द मोस्ट, जो इतना व्यूअर्स हो वरीड एंटायर टीम पे, सनी सर आते नहीं है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे कैसे. तो वी स्टार्टेड ऑफ विद बिग बॉस फिनाले इन जनवरी या फरवरी में था, ऑफ द टीवी वाला, वेयर सनी सर एंड अमीशा तारा सकीना वेंट ऑन दैट शो. उसके बाद हमारा जी सिने अवार्ड्स था, वहां पर हमने गदर का लॉन्च करा, से कि हम लोग आ रहे हैं अगस्त 11 सिर्फ. तारा सकीना को वापस स्टेज पर लेकर गए और लकली दो हिट गाने थे, तो वो यू नो उस पर है ना प्रमोशन सब यू नो चल जाता था. देन वी डिड वन मोर इवेंट इन अप्रैल, आई एम फॉरगेटिंग, बट जून में वी आर वेरी क्लियर के पिक्चर रिलीज करनी है. और शर्मा जी और हमारी बहुत बहस हुई, इसे रिलीज करे नहीं करे. आई सेड सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये करना है. क्योंकि आई ऑल्सो न्यू कि जब टॉप गन आई, आई एम श्योर सब ने पुरानी टॉप गन देखी. तो ऐसे एक ये है कि आप है ना ओटीटी पर देख ले ये, यू नो आप सिनेमा में जाके और आप सिनेमा में आके देखे. और वो 15th जून का फिर वो आदिपुर शादी थी, तो हम लोग यू नो 9 जून आए और सनी सर ने भी बोला कि यू नो ये करते हैं. और वो जब री रिलीज हुई तब जाकर के आई थिंक हमारी टीम को, जैसे हम लोग 20 साल पहले हम लोग ना तो हम लोग जी में थे ना उस पर कॉर्पोरेट था या कॉर्पोरेट मार्केटिंग जैसे आजकल होती है, एक असेसमेंट आया कि क्या मैडनेस है कि वो एक वीकेंड पर 2-3 करोड़ जो भी हम लोग ने कमाए इन आई थिंक 20 स्क्रीन्स. एंड सीइंग द क्राउड आउटसाइड राज मंदिर, आउटसाइड डिलाइट फॉर सनी सर, पता चला कि ये वी आर ऑन टू समथिंग. और टीजर तो था ही, और एक्चुअली पहले हम लोग एक पोस्टर भी निकाला था, पहला वाला वो हथौड़ा था वो जनवरी में जब. तो स्लोली आर एम वॉज कि हर महीने एक यूनिट या एक प्रमोशनल एक्टिविटी चाहिए, आप स्लो बर्न पर करते रहिए. क्योंकि फॉर अ फिल्म लाइक दिस टू गेट दिस काइंड ऑफ ओपनिंग, यू कांट जस्ट कम कि अच्छा ये यू नो 3 हफ्ते हैं 4 हफ्ते हैं और आपने ये कर दिया. फिर दो गाने जो पुराने गाने थे, खैरियत जो मैंने एक्चुअली जब सुना था 2-2.5 साल पहले, उसी वक्त मैंने सर को बोला था कि दिस इज फॉर माई माइंड द सॉन्ग ऑफ द एल्बम. तो आई इंसिस्टेड, आई सेड कि वो आप जरूर करिए. और हमारी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी 3 चीजों पर आधारित थी. तारा सिंह साइलेंस अच्छा ऑडियो नहीं है, एक्शन एंड फैमिली. इट वाज वेरी क्लियर कि ये फैमिली पिक्चर है और इस फैमिली का क्या होता है 17-20 साल बाद, दैट इज व्हाट हैड टू बी डन. वी आर वेरी क्लियर हैड टू, हमारी पिक्चर या तो रिपब्लिक डे पे आती या इंडिपेंडेंस डे. तो रिलीज डेट तो हम लोग ने ऑलमोस्ट रिपब्लिक डे आई थिंक हम लोग ने अनाउंस करा था कि इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग आएंगे, तब हम लोग ने पोस्टर छोड़ा था उस वक्त. एंड देन उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन टीम टुक ओवर इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग फॉर स्क्रीन, मेकिंग श्योर कि वी गॉट द बेस्ट पॉसिबल शो केसिंग. वी आर प्रेजेंटली 5,000 स्क्रीनों में 15,000 शो पर चल रहे हैं और हर रोज इंक्रीज हो रहे हैं. मतलब आप है ना 1 बजे 2 बजे 3 बजे राउंड द क्लॉक प्रोग्रामिंग हो रही है. एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल आर पार्टनर्स, ऑफ कोर्स द बिग मल्टीप्लेक्सेस विच आर देयर. बट बहुत टाइम हम लोग यू नो ये पिक्चर जो थैंक्स टू वेव्स एंड राजहंस एंड मुक्ता एंड होल बंच ऑफ अदर जो नॉन नेशनल चेन्स हैं, डिलाइट हो, राज मंदिर, गेटी गैलेक्सी, दैट इज़ द हार्ट बीट ऑफ वेयर दिस फिल्म इज रनिंग. और इसीलिए ट्रेड को समझ हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्राइडे का नंबर क्या होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है. शारिक साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा था वेडनेसडे को? करेक्ट. और आपकी और मेरी एक टकीला शॉट हम लोग पिएंगे यहाँ पर. उन्होंने बोला था कि 40 होगा, मैंने बोला 40 होता है तो मैरियट में टकीला ना वो पीते ना मैं पीता हूँ ना सनी सर पीते, मगर सब लोग टकीला मारेंगे आज. मगर मैं भी गलत था, 40 करोड़ 10 लाख हुए. नहीं तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टुक ओवर एंड फिर आपने जैसे आपने कहा वो इंडस्ट्री ने यू नो ट्रेड ने भी नहीं ऑडियंस ने ले लिया था. एंड जस्ट आई कम बैक टू द बिगनिंग, जब पहले बार शर्मा साहब मुझे मिले थे उन्होंने कहा था कि शारिक बाबू
500 crore करेगी, और हम जो रूम में थे हम लोग सब बोल रहे थे has proven, audience has proven that we are on trajectory for anywhere. मैं तो ये कह रहा हूँ जो गदर ने इतना business किया है उसके इर्द-गिर्द पहुँचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गदर की इज्जत नहीं रहेगी. Yes, ज़रूर. जैसा जैसा शक्तिमान जी ने कहा ना कि मैं कहानी सोच रहा था, लाज रखनी थी गदर एक प्रेम कथा की. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये बच्चा छोटा सा था, बड़ा हो गया, अब सनी देओल के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, कैसा लगा? उस टाइम तो कोई डाल रहे थे तुम. जी, तो सनी सर के साथ क्या होता है ना कि आपका सीना भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है. तो उनके साथ काम करना एक एक्टर का ड्रीम होता है, क्योंकि हाँ वो बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बट उनके जो इमोशनल सीन्स हैं, जो उनका प्रेपरेशन है, जो जिस तरीके से वो जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें प्लान करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता ना, वो खुद बात करते हैं उसके बारे में. वो तो कुछ बात नहीं करते हैं. He only lets us work, talk for it. तो मैं किस्सा शेयर करूँगा. वो जो एक सीन है जहाँ पे थप्पड़ मारते हैं मुझे, तो वो सीन का प्लानिंग हो रही थी कहाँ पे लेंगे, घर के बाहर लेंगे, घर के रूम के अंदर लेंगे. तो मैं देख रहा था दूर से सनी सर को, एंड लंच ब्रेक था बट सनी सर वहाँ पे थे, एंड जैसे थिएटर में हम करते ना ये जैसे स्टेज है वैसे ही वॉक कर रहे थे, एंड ही वॉज स्टेजिंग द सीन इन हिज माइंड हाउ ही इज गोइंग टू डू इट, एंड आई एम वॉचिंग हिम फॉर फ्रॉम फार, और अचानक मेरे मुंह से निकलता हाँ सर ऐसे ऐसे. एंड इन्होंने भी मेरे को एक लुक दिया, मैं थोड़ा चुप सर अपने उसमें जोर में है, बट देन ही वॉज वॉकिंग, एंड जब मैं इनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतने इमोशन के साथ भी वो प्रिपरेशन करते हैं कि मुझे पता था कि कितना तेज तमाचा पड़ने वाला है. 2.5 किलो के हाथ से. 2.5 किलो के हाथ से. तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, एंड अगर आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इन द 100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, देयर इज नो वन लाइक हिम इन इंडिया और इन द वर्ल्ड. सो वंडरफुल वंडरफुल. यू नो मैं अनिल को ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा कदर की. वो पेबैक मिला हमको. तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूँ कि गदर फिल्म नहीं इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते और जीते ने बोला तारे. वो उनके अपने फैमिली के किरदार हैं. जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो तो उसके लिए भले वो बेकार नाच रहा हो, और आपका पिता किसी भी परेशानी में हो, और बेटा देखता है दूर से भले एक लफ्ज़ ना बोलता हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है. तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं. वही हुआ एक्चुअली. हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, तारा सकीना के परिवार को आगे बढ़ाया, और उनकी कहानी का एक टुकड़ा सोचा कि भाई हम ये तारा जाएगा कैसे पाकिस्तान, वो क्योंकि पाकिस्तान कहानी का एक इंग्रेडिएंट हिस्सा था, वो कैसे जाएगा, और इनकी ज्योमेट्री तो बनी बनाई थी, उसको सिर्फ राइटली ऑनेस्टी के साथ लिखना था, जो शक्तिमान जी ने लिखा, और उसको मुझे ऑनेस्टी के साथ शूट करना था, जो आई ट्राइड माई बेस्ट. और सर ने, उत्कर्ष ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको निभाया, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जी स्टूडियो ने हमारे साथ काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये मालूम था कि ये, मैंने जब इनको कहा कि 500 करोड़ करेगी, ये बिलीव उस वक्त इनके मन में ऐसा रहा हो कि ना शायद ये क्या बात कर रहे शर्मा जी हमें अपने इमोशन में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये जानते थे ऐसा हो सकता है. तो इनका शर्मा जी हमेशा बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे, और डिलीवर भी करते हैं. और जब मैं काम करता हूँ फिर मैं, आपने बोल दिया चलो कि मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, पर जब डिलीवर सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते हैं, बिकॉज आई एम अ, राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर. मैं कोई वो प्रिपरेशन नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट, मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता और फिर फ्लो में जाते हैं. हाँ नहीं, फिर मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया, और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो उस सीन का, जब वन एक्टर डज इट द अदर कैचेज इट,
और उसके साथ जीत रहा है, इट्स अ मैच, इफ आई गिव अ शॉट दूसरा अच्छा खेलेगा तो अच्छा मैच हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है, दैट्स द बिलीफ, दैट्स मैं वैसे करता हूँ। मैं ये नहीं कि ये लाइन आई है जिसको मैं ऐसे बोलूँगा, यहाँ पे ये पिच करूँगा, वो करूँगा, यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड दैट्स नॉट नो हार्म इन इट, एवरीबॉडी हैज देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माय वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे करते करते एंड देन आई वुड परफॉर्म इट, दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ अनलेस यू डोंट परफॉर्म यू कांट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीन जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पर आना, ऐसे नहीं बोल दिया। सो दैट इज वॉट इज दैट्स वॉट मेक्स दीज सीन्स यू नो बन जाते हैं, फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते क्या है methodical. सनी सर का क्या है, इट्स टू नेचुरल, वो आते हैं डिस्कशन करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, ये चारों तरफ देखते हैं क्या है क्या हो रहा है, अगला किरदार कैसे, ये कैसे वो कैसे, और बहुत नेचुरली उनके अंदर वो सीन आता है, वो बहुत नेचुरली आता है, दैट्स व्हाई मैं इनको कहता हूँ बहुत नेचुरल एक्टर है, बहुत ही, और अंदर से वो जो सीन है सनी सर ने जो किया, जब इनको पता लगता है कि इनका बेटा पाकिस्तान चला गया और अमीषा के साथ जो उन्होंने सीन किया है और ताई के साथ जो सीन किया, मतलब माइंड ब्लोइंग सीन है, वो कैसे इनके इमोशन फट जाते हैं, ऑटोमेटिक इनके इमोशन फटते हैं, इनको कोई जब चिट्ठी पढ़ रहे हैं बस के ऊपर और वो सिर्फ वो लाइनें पढ़ रहे हैं तो इमोशन फटते हैं, बस हाँ इतना है कि ये सब जब बैठते हैं करते हैं तो उसकी नेचुरलिटी को देखने की कोशिश करते हैं कि माहौल राइट है, माहौल राइट है। वो माहौल को एकदम ऑब्जर्व करते हैं ये कि हाँ ये राइट है, ये है, वो है, फलाना टिकाना अक्रम तक्रम ये सब चीज़ राइट है, यानी वो दुनिया वो दौर में हम ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उनको महसूस होता है वो दुनिया वो दौर है, ये भी उस दुनिया उस दौर में आ जाते हैं, इनके अंदर का तारा सिंह आ जाता है, पर तारा सिंह आया तो कहानी आई, कथा आई, बस तारा सिंह है तो बस वो क्या करना है और करना है, और जब तय करिए करना है, हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील्ड खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था, कोई नहीं बना रहा था, एग्जैक्टली बात बना रहे होते तो बात कोई और होती, और दूसरी बात में क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया हमारा काम किया और आगे फिल्ड द वॉइड एज दे से। और दूसरी बात क्या है, देखिए माता पिता भाई भाई होता है, बहन बहन होता है, वो 20 साल पहले की बात हो या 200 साल पहले की बात हो या 2000 साल पहले, और हमारा देश वही है, तो क्या होता है, सिर्फ आपके कहने के तरीके बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, आज से 22 साल पहले हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो शायद ऐसे नहीं करते थे, लेकिन बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे सवाल तो यही होते थे, 22 साल पहले भी यही सवाल होते थे और प्रेस से ही बात करते थे सिर्फ माहौल बदलता था, सवाल तो वही होते थे, 22 साल पहले भी हमसे सवाल किए गए, पिछली गदर में भी हमसे सवाल किए गए और आज भी वही सवाल हो रहे हैं, 22 साल बाद भी ऐसे ही सवाल होंगे, तो ये सवाल तो ऐसे ही रहते हैं, स्टेज बदल जाएगी, पोस्टर बदल जाएगा, थोड़े से हालात बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, इमोशन नहीं बदलेगा, नाक तो आंखों के बीच में ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। क्या बात है, क्या बात है। नो सो आई जस्ट लाइक टू ऐड ओवर हियर के ऑफ कोर्स ये यू नो इट इज सब लोग बोल रहे हैं And I thought Sunny will never perform better than this. Till one man called Anil Sharma in 2000 made a film called Gadar, which I hated him for it. I loved the film, but I hated him for the fact that he got Sunny to perform better than me. I was very upset with that. Anyway, very happy for Sunny and happy for him. And now in 2023, he's gone and done the same thing again. When is he going to stop? नहीं ब्रिलियंट इन टुडेज टाइम दैट द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर मी इज बी ऑन द स्टेज एंड सी द स्मॉल किड स्टैंडिंग ओवर हियर इज रियली वंडरफुल एंड नो वन हैज टू बाय 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 बेटा वन थिंग विच हैपेंड व्हेन गदर रिलीज The next morning, I met Sunny. This is Gadar Ek Prem Katha. Gadar Ek Prem. I met Sunny. I said, Sunny, my story idea came to me after seeing Gadar. And I narrated an idea to him, which he loved.
but it had been on the back burner till it came up again now when I saw the film the other day and I called him up and I said now we should create it. This is a film, Sunny, you remember it. Film I thought of was a film called Sunny Dawn with Sunny Dawn. It's a fantasy with the reality where Sunny would play and all his avatars which have been successful would be part of it. So that's the kind of thing which we really want to do and now I think we'll do it. Lovely. And all the best, Sunny, you really done a tremendous job. मेरा ख्याल है जो फादर एंड सन के सीन्स हैं इस फिल्म में जब मैं देखा था मुझे सनी और धर्मेंद्र जी सामने दिखाई तो मुझे सनी और धर्मेंद्र जी दोनों दिखाई दे रहे थे और एक सीन था डायलॉग वाला बहुत अच्छे थे एक सीन था जिस पर क्राउड में मैं अकेला खड़े होकर ताली बजा रहा था एंड आई वॉज लाफिंग पीपल लुकिंग इट मी एक सीन है जो सनी भाग रहा है पीछे तलवार लेके लोग भाग रहे हैं और भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं और एकदम से रुक गया सनी रुकता है वो रुकते हैं क्यों रुकते हैं समझ नहीं आता तो एकदम से देखते हैं कि वहाँ वो हैंडपंप है वो हैंडपंप देख के मैं इंतजार नहीं किया मैं खड़े होकर ताली बजाने लगा दिस वाज द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग and God bless you all and thanks for God you thank you so much last question and besides Dharmendra and Sunny Hi, Pooja Nawaz here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Sunny ji yahan par. Congratulations. Ye film gadar macha rahi hai box office par. Sunny ji, aapse mera ye sawal hai, jaise ki hand pump ka scene unhone kaha. सच में गूज बम्स मतलब आप सिर्फ छूते हैं हैंडपंप को और सब डर के भाग जाते हैं तहलका मचा दिया इसी तरह आप जिस तरीके से किरदार में जान डालते हैं बॉक्स ऑफिस पर भी आपने तहलका मचा दिया है बॉक्स ऑफिस पर ठंडा पड़ा था अभी जान डाल दी आपने उस पर क्या कहेंगे हैंडपंप की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया देखिए मैं मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है किस तरह से लोग कर रहे हैं 10 तारीख को जब मुझे पता चला मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर आदमी स्ट्रेस्ड होता कौन नहीं होता क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है हर आदमी लगा है और हर आदमी चाहता है कि और मैंने हमें अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है बिकॉज वो पल आपको बहुत अच्छा लगता है तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ और उस तरह से मैं चलता गया हूँ और जब ये लगी फिल्म उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया मैं पूरे रात शाम को मैं रो ही जा रहा था हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला मैं पापा मैंने दारू नहीं पी मैं दारू नहीं पीती मैं भाई से मैंने दारू नहीं पीती मैं खुश है मैं क्या कह रहा मैं पागल हो गया सो यू नो मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके एक मोड़ आया उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया वाओ आपको किस तरीके के फीडबैक्स मिल रहे हैं बेस्ट फीडबैक क्या मिला जी मुझे बेस्ट फीडबैक एक्चुअली शूटिंग के पहले जब सनी सर के साथ काम कर रहा था उनका एक एक्सप्रेशन था एक नॉट थी जिसने मुझे सब चीज़ समझा दिया एंड उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता तो आई थिंक दैट इज़ ऑल इतने महान कलाकार से जब आपको एक 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 वो मिलता है तो बस आपका दिन जिंदगी सब बन जाती है अनिल सर समीर हियर फ्रॉम मूवी टॉकीज सर आपने जैसे कहा यू नो गदर जब खत्म हुई थी तो गदर 2 की कहानी आपके पास रेडी नहीं थी बट गदर 2 में आपने एंड में दिखाया कि गदर 3 कन्फर्म आ गया तो यू नो मतलब कितना टाइम लगेगा गदर 3 को और इस टाइम उसका तो इंतजार करिए साहब इंतजार का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है जैसे ये रहा कुछ विचार तो मन में आया है मेरे और शक्तिमान जी के और थोड़ा इंतजार करिए हो जाएगा सब 22 दिन में वो 22 साल लगे थे 22 दिन में अनाउंसमेंट शक्तिमान जी को बोल दिया मैंने हेलो शारिक सर हाय हेलो सनी सर शारिक सर रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़ शारिक सर यहाँ पे हाँ कि अभी आपने बात की अबाउट रेट्स यू नो कि कभी कभी बहुत ज्यादा रेट्स होते हैं तो वुड यू लाइक टू ट्राई फॉर
tax free for this film. We don't try. I mean, wo governments, if they'll give it, we'll, you know, so we'll put in applications, but wo jo process hai, wo jo lagega. Ab tax free ho na ho, as he said, ye apni gaadi chal rahi hai. So, you know, it's up to the government. I urge you all to write saying, please make it tax free so more people can see it. Hi guys, Nikita here from India. For making Gadar 2, we really loved it. Sunny Paji, मेरा सवाल आपसे है कि सब जिस हैंड पंप वाले सीन की बात कर रहे हैं, तो जब आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंड पंप और आपका आमना सामना होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए, लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना बस बहुत वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली यू नो ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के मैं और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया. इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 भी ट्रांसफॉर्मर. हेलो सनी सर, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. सर आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में. उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें. इसके अलावा भी एक सवाल है, मैं बाद में पूछता हूँ. जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग इन द साइडलाइंस. मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा. ही वाज सिटिंग इन ऑन द स्टेप्स बट नॉट विद डैड ऑन द सीट. एम आई राइट? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जप्पी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे. दैट इज व्हाट ऑल. एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो. मुझे लगता है 40 साल में जितने आपने फिल्में की हैं उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ, इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है. तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूँ, इसलिए मैं जुड़ गया. जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें, और मैं इसको पर्दे पर लिख रहा हूँ. और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था. पाजी, सॉरी, आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दिस, क्योंकि प्रमोशन की भी बात हुई थी. मेरे हिसाब से ऑफकोर्स वो सब जो गए लोंगेवाल, गए वाघा बॉर्डर, गए कोस्ट गार्ड, यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं, वो सब के यू नो जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले और 15. बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में. टू माई माइंड, एंड आई हैव सेड दिस टू सर ऑल्सो, आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग मार्केटिंग सीक्वेंस फॉर अस वॉज हिम डांसिंग एट हिज सन्स वेडिंग dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out in social media really translated for our film also. So thank you for that. Paji, dynamics of business box office. मतलब in 3 days तुम्हें करियर जितनी फिल्म आई है उस तो वक्त कर गदर तो निकली है. And earlier we used to have jubilees and ना एक success मनी जानी. Now we have in three days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on, the films were more successful, if you ask me, honestly. Because wo film wo dekhte the jo unko dil kar raha tha, and wo usko ekdam hafte tak dekhte rehte the. Aur har cinema hamara 1,000+ seater tha. Ab to multiplex hai, wo 1,000 ko unhone chance screen kar diya hai. Usko jo hota tha, wo bahut hi, was of a different level. वहाँ पर हम बिजनेस फिर ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाज़ा नहीं होता था बिकॉज ब्लैक होता था बहुत. प्रोड्यूसर बेचारा बना के वैसे ही रह जाता था, एग्जीबिटर्स सब पैसे बना के बढ़ जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर. तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का. प्रोड्यूसर आता था, सपना लेके मैंने ये पिक्चर बनानी है, वैसे एक्टर ढूंढते थे, करते थे. सो दैट्स व्हाट इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम. नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज़ ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज मूव सो फास्ट, एवरीथिंग इज बिकम डिजिटल, एंड नाउ द वर्ल्ड इज बिकम ग्लोबल, एक ही हो गई है. All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere.
And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them, the phone is their world, right? Now how they're going to progress, I have no idea. Because I can't even follow that. But that technology is something which is there. But they always say, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा, वो फिल्म उतने चल रही है, आ YouTube पे आ रही है, वो आ रही है. मैं कहा पापा, this has been happening from donkey's years. Picture up YouTube, पहला it used to be video piracy, this and that. But silver screen will always be the silver screen. Nobody can take that away. And that is what the strength of silver screen is. So I feel now. All these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there. But we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to Gadar, Gadar Gadar si, Gadar ne Gadar machana si. Main bas yehi socha si, ek Gadar bhi wo Gadar the kol pahunche. So I'm hoping business hote jaave jithe kine kadi suniya na hove. Baki. जनता दे उते वही लेके जा रही है सितर नाल बस उन्होंने देता और जिससे थे ले जाएंगे ले जाएंगे अनिल जी हेलो अनिल जी नमस्ते अनिल जी नमस्ते सर आर्मी का किस तरह से सहयोग रहा सर आर्मी का ऐसा है आर्मी की हम परमिशन लेते हैं आर्मी के सपोर्ट हमें बहुत मिली पिछली बार भी मिली उसके लिए एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके लिए हम आर्मी के पास जाते हैं लेटर्स लिखते हैं उनसे हम सपोर्ट लेते हैं और ऐसे ही होता है मेरे हिसाब से बहुत सारे नेता भी आपके फैंस होते होंगे कभी कोई रिएक्शन उनकी तरफ से मिला है क्योंकि बात जब देश प्रेम की हो बात जब 15 अगस्त की हो तो सब कुछ ना एक ही जगह पर रुक जाता है और गदर टूटे ला देता है आप क्या मैं समझा नहीं कि बाकी क्या पूछा कि आपने कि सनी जी थोड़ा सा कंफ्यूज देखिए मैं सब देखिए हर आदमी जो है चाहे पॉलिटिशियन हो या चाहे बिजनेसमैन हो या एक्टर हो सबकी फील तो सेम ही है और देश के लिए सबका सेम प्यार है सेम जोश है और गदर इस तरह की फिल्म है जिसके जिसमें कोई कुछ अलग नहीं बोलेगा सब सेम इसी तरह से चलता है सनी पाजी हम जब भी शर्मा जी से बात करते हैं तो हमेशा टाल देते हैं हम जब भी शर्मा जी से पूछते हैं कि अगली फिल्म कब आएगी तो टाल देते हैं गदर 3 की बात भी उन्होंने टाल दी जबकि सर ने बताया कि 22 दिन में डिसाइड होगा आपके पास 3 वो जोक था लेकिन हेडलाइन तो बनेगी लेकिन नो प्रेशर शक्तिमान जी अनिल जी शर्मा जी नो प्रेशर 22 दिन है जैसे तो पाजी आज आप खुश हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस खुशी का एक फायदा हम भी उठा लें कि 3 चीजें हैं यमला पगला दीवाना अपने और गदर 3 तीनों के पार्ट्स हैं किसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड और क्या दिमाग पे क्या कुछ चल रहा है कि अब इन फिल्मों का जो अगला भाग आएगा कब आएगा और एक सवाल इसके बाद और है देखिए तीनों फिल्में अपनी जगह पे हैं यमला पगला थी जिसमें हमारा पूरा परिवार इकट्ठा था और हम लोगों ने बहुत हंसाया लोगों को मेरे पास बहुत लोग चाहते हैं कि फिर से करूं लेकिन हमेशा कहानी का आना बहुत ज़रूरी होता है और रही अपने की कहानी मेरे पास है बस देखते हैं अभी आगे जाके कब शुरू करेंगे और बहुत ही प्यारी कहानी है इस वक्त अपने की जो हमारे पास है वही फैमिली वैल्यूज़ है जो थे अपने में थे उसी चीज़ की एक्सटेंशन है बस अभी मुझे लगता है मेरे कुछ एक दो एक्ट्रेसेस थी जो कनमाफ रोल करने से डर रही थी शायद अब करेंगी हाय सनी बेटे राजवीर की फिल्म को लेकर किस तरीके से इमोशंस है क्योंकि आपका दूसरा बेटा है फिल्मों में आ रहा है क्या इमोशंस देखिए आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं बाप बेटे का इमोशन क्या होता है आप देख ही रहे हैं चारों तरफ हम परिवार हम फैमिली हैं हमारे सब इमोशंस हैं वी ऑल कनेक्टेड एंड वी आर वेरी ऑल टुगेदर दिल धड़कता है सब कुछ होता है डर लगता है और दैट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट ओके वन लास्ट क्वेश्चन हाय सनी दिस इज अनीता फ्रॉम सनी ह्यूज कांग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी द नंबर्स दैट इट्स डूइंग बट आई हैव वन क्वेश्चन इज दैट वी सी अक्षय कुमार सिंगिंग मैं गड्डी लेके इन ओ माय गॉड 2 प्लीज टेल मी व्हाट वाज द आईडिया बिहाइंड इट एंड हाउ डिड यू कन्विंस आई हैव नॉट सीन द फिल्म सो आई हैव नो आईडिया Was it not planned? I've not even seen Gadar properly.
Okay, all right, thank you. No, it wasn't planned. It was a surprise for all of us. So thank you to the team who did that. Yeah. सर यहाँ पर सर गटर वन पे आपने हैंडपम्प उठाया था, सेकंड में हैंडपम्प को लेके लोग डर गए थे और सेकंड में ट्रांसफार्मर उठाया और थर्ड में तो आई डोंट नो शारी को सरिंग समथिंग और आएगा, तो मैं चाहता हूँ सर इसका इस सेहत का राज क्या है? सेहत का राज क्या है? आई थिंक द जीन्स फ्रॉम माय डैड फ्रॉम ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर दैट्स व्हाट इट इज जेनेटिक है, हमको बस चलते जाएंगे. पापा ने देखा नहीं अभी वो फिल्म की थी. And he had a nice, nice romantic scene. This is our genes. That's the new headline you'll get. Haji, Haji. हाँ जी बोलिए. हाँ बोलिए. हाँ चेतन बोल. हाँ अनिल जी, आपको मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा. आपने आपकी जो कास्टिंग हुई है, खासतौर पे मनीष वाधवा जो आज नहीं है, लेकिन लोगों ने कंपेयर किया गब्बर सिंह एंड धर्म जी का जो कि एपिक शोले में, तो यहाँ मनीष वाधवा का जो मेजर जनरल का कैरेक्टर है उसमें लोग इतनी नफरत करते हैं, यू नो मतलब लोग मतलब खून खोल होते हैं, गालियाँ देते हैं मतलब थिएटर्स में, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब वो कैसे कास्टिंग हुआ था, मतलब परफेक्ट कास्टिंग है. नो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, नो क्वेश्चन पॉलिटिक्स. थैंक यू चलो.